हमीरपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां हर घर की रसोई में गैस कनेक्शन होगा। वे आज हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हमीरपुर द्वारा एनजीओ भवन के परिसर में आयोजित गैस कनेक्शन वितरण समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत 31 पंचायतों के 255 लाभार्थियों को निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए, जिसमें विकासखंड हमीरपुर की 16 पंचायतें बमसिंह की 12 तथा बोरंज विकासखंड की 3 पंचायतें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिला हमीरपुर में इस योजना के तहत पिछले 1.5 वर्ष के दौरान पात्र परिवारों को 8,258 निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं, जिसमें से 1,410 गैस कनेक्शन केवल हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत लाभार्थियों को प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में महिलाओं के उत्थान तथा कल्याण के अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत महिलाओं को धुआं व चूल्हा जलाने तथा लकड़ियां एकत्रित करने से निजात मिलेगी। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी इसकी अहम भूमिका रहेगी। धुएं से निजात दिलवाने के लिए महिलाएं विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बची रहेंगी तथा खाना गैस पर पकाने के फलस्वरूप उनके समय की भी बचत होगी। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आजादी के बाद महिलाओं की समस्या की ओर विशेष ध्यान देना तथा उसे प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र की भाजपा सरकार तथा हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूर्व के शासनकाल के दौरान उज्ज्वल योजना के तहत देश की 5 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न विभागों के माध्यम से अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए जमा होंगे, जिससे वे उत्तम किस्म के बीज तथा रसायन खरीद कर कृषि उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। इससे पहले जिला निरंतरक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हमीरपुर शिवराम राही ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा उन्हें शॉल व टोपी भेंट कर सम्मानित भी किया। उपस्थित लोगों को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर जिला भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष राजकुमारी, मंडलाध्यक्ष बलदेव दीवान, हमीरपुर गैस सर्विस तथा शहीद सुरजीत सिंह गैस सर्विस के मालिक हरीश नंदा तथा संजीव डडवाल के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश की हरी भरी पंचायत हलियातर को वन एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री वन मित्र पंचायत पुरस्कार से नवाजा गया। ये पुरस्कार प्राप्त करने के बाद ग्राम पंचायत के प्रधान अपने पंचायत में पहुंचे, जहां पर उनका पंचायत की जनता ने जोरदार स्वागत किया और फूल मालाओं से पंचायत प्रधान रोशन लाल को लाद दिया। प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री मुरारी देवी के आंचल में 13,000 फीट की हाइट पर बसी ये पंचायत पुरस्कार प्राप्त करने से जनता काफी गदगद है और उत्साहित भी है। ग्राम पंचायत प्रधान रोशन लाल ने बताया कि हाल ही में आयोजित सम्मान समारोह में ग्राम पंचायत हलियातर को मुख्यमंत्री वन मित्र पुरस्कार के रूप में प्रशासित पत्र और
75,000 की राशि देकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायत को यह पुरस्कार देवदार के 3,000 पौधों को आगजनी की भेंट में चढ़ने से बचाने के लिए दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस पंचायत के नाम इससे पहले भी कई और इनाम प्राप्त हैं। ग्राम पंचायत प्रधान रोशनलाल ने बताया कि वे सम्मान प्राप्त करके उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति और भी बढ़ गई है और हिमाचल प्रदेश में जो ये सम्मान उनको मुख्यमंत्री वन मित्र पुरस्कार का दूसरे नंबर पर मिला है तो उनकी जिम्मेदारियां अब इस क्षेत्र में और भी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वे बेहतर और मुरारी क्षेत्र के पर्यटन की दृष्टि से उभारने के लिए मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वे यहां पर लोगों की सुविधा के लिए गेस्ट हाउस की व्यवस्था करें ताकि माता मुरारी देवी के दर्शनों के लिए यहां पर आने जाने वाले लोगों और पर्यटकों को सुविधा मुहैया हो सके। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र हर तरह की सुविधा से लैस है, इसमें चाहे शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात या फिर पेयजल सड़क की हो या अन्य तमाम सुविधाएं, ये पंचायत सुसज्जित है। उन्होंने कहा कि इस पंचायत की जनता आपस में तालमेल बिठा के विभिन्न प्रकार के जनहित के कार्यों को करने में जुटी हुई है और लोगों के सहयोग से ही आज इस पंचायत को ये पुरस्कार मिला है, जिसे क्षेत्र की तमाम जनता, महिला मंडल, सामाजिक संगठन, ग्राम सुधार समिति समय को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर विभिन्न पंचायत प्रतिनिधि में पूर्व उप प्रधान श्याम लाल, पूर्व उप प्रधान दयाराम, प्रकाश चंद, ग्राम सुधार सभा समिति के प्रधान मणिचंद, गार्ड विनोद कुमार, सुरेश कुमार, विनोद रोशन, संजय तिलक, ब्रिजलाल रवि सिंह, राकेश कुमार समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।